ओके, तो हेलो गाइस, आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ भाई, ये ग्राफ है। ग्राफ जितने भी हम पढ़ते हैं, डीटी, वीटी, एटी, ये सब ग्राफ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और ये इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको लास्ट टाइम में ये वीडियो आपकी मदद कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो आप आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ऑल द नेचर, और नेचर ऑफ ऑल द ग्राफ्स आप बोल सकते हैं। एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑल द ग्राफ्स, नेचर ऑफ ऑल द ग्राफ्स जो हमारे सिलेबस में, ऑल द ग्राफ्स। ग्राफ ये चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन में ये पढ़ाया जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये टॉपिक्स सारे पढ़ाए जाते हैं, सारे ग्राफिक्स, सॉरी, ये सारे ग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी टी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा मार्कर्स उठा लेता हूँ, एक दो, ठीक है, ताकि अच्छे से बता पाऊँ। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं एक और दो, ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं। तो ये है पहला और ये है दूसरा। देखो भाई, अगर मान लो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा विजुलाइज करवा रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मूव नहीं कर रहा। मान लो मैं कहीं घर से आया, घर पे तो हूँ मैं वैसे, मान लो मैंने मार्केट रेफरेंस माना था और मैं घर पे आ चुका हूँ। मैं मार्केट ये रेफरेंस माना है मैंने, मार्केट से मैं घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं देखना चाह रहा हूँ, अब मैं स्टॉप वॉच खोलता हूँ और देखता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। अब मैं टाइम मैंने मैंने स्टॉप वॉच खोल दी और मैं टाइम चेक कर रहा हूँ और अपनी क्या मैं मूव कर रहा हूँ क्या नहीं मूव कर रहा हूँ। तो मैं टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मैं यहीं का यहीं हूँ। तो यही बता रहा है ग्राफ, देखो जो मैं बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का। तो हुआ क्या है, देखो डिस्टेंस क्या कर रही है, डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रही है, डिस्टेंस तो वाई एक्सिस में बढ़ेगी, तो यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो रेस्ट में है, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं का यहीं पे हूँ और टाइम बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या आया, ये बताया क्या, स्टेशनरी, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। आई होप ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो ये वाला, अगर मैं कभी ऐसा बना दूँ तो भाई साफ पता चल रहा है इसने करा क्या होगा, लीनियर ग्राफ बन रहा है, तो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। तो यहाँ देखो जरा क्या है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये बॉडी कवर कर रही होगी डिस्टेंस को, ठीक है। तो बॉडी, वैन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो वो ये ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चला, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है। इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। कम ऑन, क्या अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना स्कूल में, थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो, तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरा मोटिव फटाफट पढ़ाने का है, तो भाई अब जरा ध्यान दो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म, ये बता क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। अब मैं तुम्हें थोड़ा जानकारी देता हूँ, आप कैसे इन चीज़ों से कुछ और इन ग्राफ से कुछ चीज़ें बता पाए। तो यार एक बार बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा हम कहाँ आता था डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू सुना था डिस्टेंस अपॉन टाइम, कम ऑन, क्या बचपन में सुना होगा, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वाई वाई में क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, और एक्स में क्या लिया, हमने टाइम लिया है। तो ये रिलेशन हमें क्या दे, ये ग्राफ हमें क्या दे सकता है, स्पीड दे सकता है। अब एक टर्म शुरू होता है, देखो स्लोप, ये स्पीड क्या देगा, कैसे, कहाँ से पता चलेगा स्पीड, ये समझते हैं। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं स्लोप। अब ये क्या है, थोड़ा नॉर्मल भाषा में बोलूँ, किसी लाइन का स्लोप मतलब वो हॉरिजॉन्टल से कितना टेढ़ा है, मतलब मैं अगर रेफरेंस मानूँ ये हॉरिजॉन्टल वाली, तो हॉरिजॉन्टल से कितना टेढ़ा है, दैट इज स्लोप। एक तो हो गई ये आसान भाषा, दूसरा स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप बताता क्या है, स्लोप बताता है वाई में कितना चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के चेंज होने पे वाई में कितना चेंज आया है, ये स्लोप बताता है, ठीक है। तो स्लोप हम तुम्हें जैसे यहाँ पे कहीं पे निकालेंगे तो हम टेन थीटा निकालते हैं, अगर ये देखा जाए कितना एंगल बनाया, तो टेन थीटा से हम स्लोप निकाल देते हैं, टेन थीटा से हम स्लोप निकाल पाते हैं, तो आप थीटा ही समझो बस। तो स्लोप ये होता है कि वाई में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखो वाई में कौन सी एक्सिस मानी गई है, डी, तो देखो डी
लिया गया डिस्टेंस, और एक्स में क्या बताया टाइम, तो कितना चेंज आ रहा है डिस्टेंस में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या बता रहा होगा, स्लोप बता रहा होगा, तो ये तो कितना डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वही तो यहाँ पे स्पीड बता रहा है। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले इक्वेशन को कंपेयर करके देखूँ, वाई में कौन बता रहा है, डी, मतलब चेंज इन डी और अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम थोड़ा सा टाइम चेंज होने पे कितना डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल करा है, यही तो स्पीड बता रहा है। और ये स्पीड देखो कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है कि ये स्लोप बता रहा है, कम ऑन, क्या बता रहा है, स्लोप। तो यानी कि ये अगर किसी लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं स्लोप निकाल दूँ तो भैया स्पीड का पता चल जाता है, कम ऑन, किसका पता चल जाता है, स्पीड का पता चल जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड का पता चलता है। तो यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है ये लाइन बिल्कुल टेढ़ी, बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेढ़ी है ही नहीं, तो यानी कि पैरेलल हो चुकी है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है, और स्लोप क्या बताएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड बताती है, और स्पीड यहाँ पे क्या है, जीरो, भैया रेस्ट पे है बॉडी तो मूव तो करेगा ही नहीं, तो स्पीड तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जरा इसमें देखो जरा क्या है, यहाँ पे हर उसमें डिस्टेंस आगे आगे चले जा रहे हैं, यानी कि मोशन, भाई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, सॉरी कुछ ना कुछ तो स्पीड है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे स्पीड देखो, दिख रहा है ये एंगल कितना टेढ़ा है, स्लोप यही तो बताता है, लाइन कितना टेढ़ा है एक्स एक्सिस से, या वाई में, एक्स में कितना चेंज आया, वाई में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़े से टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, यही तो ये। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ देखो तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, थीटा क्या है, स्लोप कितना टेढ़ा है, मतलब लाइन। तो भाई ये जो स्लोप है, स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। थीटा क्या बताता है, स्लोप, स्लोप थीटा क्या बोलता है, स्लोप है वो, और स्लोप क्या है, स्पीड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होती है, स्पीड, और स्पीड यहाँ पे क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, कम ऑन, क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो यानी कि पूरी इस मोशन में स्पीड कांस्टेंट है। आप बोल सकते हो यहाँ से एक बात और पता चली कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जो ये बॉडी होगी अगर कभी भी ऐसी लाइन बन जाए, समझ जाना क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ है और स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही होगी बॉडी। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड, ये हमें समझ में आ गया। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ देखते हैं क्या पॉसिबल ग्राफ है। देख भाई देख देख, ज़्यादा टाइम नहीं, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये अगर कभी ऐसा आ जाए, ठीक है, या फिर कभी ऐसा आ जाए, थोड़ा टेढ़ा नहीं बनाते इतना, ठीक है, ज़्यादा गंदा नहीं बनाता, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, एक तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है। अब बस तुम्हें फटाफट अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है, आप स्लोप चेक करो बस, वैसे ही आइडिया लग जाएगा तुम्हें कैसे। ये देख रहा है यहाँ पे, अगर मैं कभी किसी कर्व में ध्यान दो, अगर कोई कर्व है तो हम वहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं चेक करने के लिए, स्लोप चेक करने के लिए, ठीक है। तो मान लो कोई कर्व है, तो यहाँ पे अगर तूने टेंजेंट ड्रॉ करा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा थीटा, और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करा तो यहाँ देखो यहाँ से थीटा बना रहा है, तो ये थीटा देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, अलग बनेगा ये थीटा, कुछ और आएगा, यहाँ पे थीटा उन्होंने ले लेते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो इस पे मैंने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करा ना, ऐसा था ना, तो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा और इसकी यहाँ हॉरिजॉन्टल से चेक करा, तो ये एंगल बहुत कम हो चुका था, थीटा टू लिख लेता हूँ उसको। तो हो क्या रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। थीटा क्या बताता था, स्लोप, और स्लोप क्या बताता था, स्पीड, यानी कि इस पूरे मोशन में स्पीड डिक्रीज हो रही है। नहीं आया समझ में, यस आ गया समझ में, भाई स्पीड डिक्रीज हो रही है उसकी, और कुछ नहीं हो रही। तो यहाँ पे स्लोप बता रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है इस मोशन में, कभी भी ऐसा ग्राफ दिख जाए स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इस वाले में चेक करो जरा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ थीटा आएगा, यहाँ पे ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल से चेक करो, भैया थीटा बढ़ गया है, फिर यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसा हो गया, लगभग ऐसा हो रही, तो दिख रहा है तुम्हें कि थीटा बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। तो यहाँ पे स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब स्पीड बढ़ जा रही है, इसमें घट रही थी, इसमें बढ़ी जा रही थी। जो पहले हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे लीनियर ग्राफ बनाया था उसमें क्या थी, स्पीड कॉन्स्टेंट थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट मिटाते हैं। अब कौन कौन से ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन कौन सी कंडीशन है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नॉट पॉसिबल लिख लेते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि क्या, देखो भैया समझना, ध्यान दो,
ठीक है, नॉट पॉसिबल ग्राफ। देखो भाई डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ये ले डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। एक बार बता, यहाँ से मैं ऐसे बना दूँ अगर, तो ये क्या बता रहे, इतने से बहुत ही माइन्यूट सेकंड में पता नहीं कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। अबे यार एक बार बता, यू एक सेकंड में नहीं और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है क्या? इन्फिनिटी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाऊँगा क्या? एक सेकंड में नहीं और मैं पहुँच गया पता नहीं कहाँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ देखो जरा, ये हो गया। अब अगर एक और सोचते हैं, कभी भी ना डिस्टेंस घटती नहीं है टाइम के साथ, टाइम के बढ़ने पर ध्यान रखना, टाइम के बढ़ने पर कभी डिस्टेंस नहीं घटती। एक बार अगर तूने मोशन शुरू कर दिया ना, तो भाई डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्टेंस घटती नहीं है फिर। ठीक है, तो ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है। ओके, अगर कभी ऐसा ग्राफ भी आ जाए, देखो ऐसा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो अगर मैं बनाऊँ यहाँ से, देखो जरा दो थोड़ा, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है ये वाले, ऐसे वाले यहाँ देखो, इस टाइम पे देखो जरा, इस टाइम पे तुमने देखा, इस टाइम पे चेक करो जरा, दो एक ही टाइम में दो जगह कैसे मोशन पॉसिबल है भाई, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी दो जगह कैसे पॉसिबल है इंसान कोई बॉडी, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। एक ही इसी टाइम में दो जगह मोशन दिखा रहा है उसका, पॉसिबल ही नहीं है, दो जगह डिस्टेंस ट्रेवल दिखा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो दे आर नॉट पॉसिबल ग्राफ। चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने सब सीख लिए, अब जो करते हैं, अब शुरू करते हैं कौन से ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब हम पढ़ेंगे कम ऑन क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट क्या करें, तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, पटापट पढ़ाना है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आपको बहुत कुछ आता है, बट आप लास्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब लास्ट में पेपर से पहले आप कैसे फटाफट कर पाए, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो फिर ऐसे में। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आजकल हर कोई इंसान अपना टाइम बचाना चाह रहा है, तो वीडियो जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया है, वैसे ये छोटी नहीं हो पाएगी, सारे ग्राफ बताने मुझे। तो मान लो अगर मैं ये बना रहा हूँ, देखो बातें कम करते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं, ये हो गया, और ग्राफ बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं साथ में फटाफट। तो अगर मैं बनाऊँ, देखो कभी ऐसा ग्राफ दिख गया तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यार साफ दिख रहा, अच्छा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट याद करो, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू क्या होता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कम ऑन, ये वाई एक्सिस की जगह है, ये किसकी जगह है, एक्स एक्सिस की जगह है, टाइम लिया हुआ, तो यार एक्स में कितना चेंज आया उसकी वजह से वाई में कितना चेंज आया, एक्स के चेंज आने से वाई में कितना चेंज आया, ये तो स्लोप बताता था, और स्लोप यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए और उसका अगर आप स्लोप निकाल दो, तो आपको वो वेलोसिटी देगा, कम ऑन क्या देगा, वेलोसिटी देगा, शाबाशी देगा, शोले में बोलता है ना, तो वो नहीं वैसे ही समझो, वेलोसिटी देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। यहाँ पे देखो वैसे ही पता चल जाएगा, इसको देख के आप वैसे ही निकाल पाओगे सब कुछ। ये ऐसा देखो जरा, इसका स्लोप क्या है, कुछ एंगल ही नहीं बना हुआ, यहाँ पे तो स्लोप क्या है, जीरो। अब देखो तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम ऑन क्या, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो, स्लोप ही जीरो है, तो भैया वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ। ये है किस चीज़ का ग्राफ, ये स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ ही है। कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही है वहीं पे, ठीक है, टाइम बढ़े जा रहा है, तो भैया कोई वेलोसिटी जीरो मतलब मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ है भैया वो। यहाँ देखो जरा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो यानी कि यहाँ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा, यानी कि ये क्या होगा, स्लोप देखो थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, थीटा है, स्लोप रिमेन कॉन्स्टेंट, कम ऑन, स्लोप रिमेन कॉन्स्टेंट, तो स्लोप कॉन्स्टेंट मतलब क्या, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इज वॉट कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे, इसमें लीनियर ग्राफ बनता है। अब यार कर्व आ गया, फिर से वही आ गई, छे आए हाय हाय, ठीक है, यहीं पे फटाफट बताया था, दूसरा वाला भी बताया था, मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो ऐसा है, तो आई होप आपने ऊपर वाला लिख लिया हो, वीडियो पॉज कर सकते हो आप, आपके पास हथियार है पॉज बटन, ठीक है, तो फिर मैं इसको मिटा के ऊपर में लिखता हूँ, टाइम नहीं, जगह नहीं है मेरे पास, टाइम तो है अभी, ठीक है, तो देखो देखो देखो, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, यहाँ से भाई अगर देखो जरा, देखा जाए, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देख भाई सुन, क्या हो रहा है, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर्व है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ कर, स्लोप देखने के लिए क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, यहाँ क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, ऐसे ऐसे देखा, तो यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, दिख रहा होगा ना, स्लोप बढ़ता जा रहा है,
और स्लोप बढ़ने का, यहाँ पे स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। कमॉन ओ भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। और वेलोसिटी में जब वेलोसिटी क्या हो रही है, एक तो बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं एक टर्म आता था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितने टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, ये बताता था। ठीक है, तो भाई सुन 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 ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना टाइम वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भैया वहाँ एक्सेलरेशन हुआ है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई साहब ये कैसा मोशन माना जाएगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। इट इज़ व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन सुना है ना, वही। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी बढ़े जा रही है, स्लोप बढ़े जा रहा है। यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर, देखो यहाँ पे तो पहले ज़्यादा था, फिर यहाँ पे देखा थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ पे देखा भैया और कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप घटे जा रहा है। स्लोप घट रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, स्लोप घट रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी घटे जा रही है। तो वेलोसिटी घटे जा रही है, देखो भैया वेलोसिटी घटे जा रही है, और वेलोसिटी घट रही है मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, आप ऐसा बोलो, दोनों एक्सेलरेटेड मतलब ये, यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो रही थी, स्पीड बढ़ा रहा था, एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, यहाँ पे कम होने जा रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी जब कम होती है तो भैया क्या होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा क्या? यस, वेलोसिटी चेंज आना मतलब क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव में कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, बस इतना समझो, वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, और वेलोसिटी कम हो रही है तो उसमें क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, धीरे 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 करके अपने कम करने की कोशिश करता है ना, वेलोसिटी को रेस्ट में आने की कोशिश करता है कई बार, इसमें तो नहीं दिखा रखा बट वैसे बोल रहा हूँ नॉर्मली भाषा में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप सो, क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर कभी ऐसा ग्राफ बन गया यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम ऑन क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, साफ पता चल रहा है स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या वाले में क्या हो रहा था, स्लोप इनक्रीज हो रहा था, तो इन दिस केस स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मीन्स बॉडी इज व्हाट, डिसेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है, डिसेलरेटिंग बोलते हैं ना, बॉडी इज डिसेलरेटिंग, तो यहाँ पे डिसेलरेट कर रही है बॉडी। ठीक है, डिसेलरेट मतलब बॉडी, एक्सेलरेशन कम हो रहा है उसका, डिसेलरेट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है एक्सेलरेट, एक होता है डिसेलरेट, तो डिसेलरेट हो रही है वहाँ पे बॉडी। चलो भाई अब ये वाला देखते हैं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक ये वाला भी बचा है, ये भी बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा इस वाले केस में, देखो हम तब से एंटी क्लॉक वाइज में एंगल ना पड़े, तो ये क्या आ रहा था, ये यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब क्या है भाई, यहाँ देखो ये कोई इंसान ना रेफरेंस पॉइंट से कहीं आगे था पहले, वहाँ से ये वापस आ रहा है, समझे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वाला बता रहा है कि यहाँ से ये रिटर्न आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भाई नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा है, वो रिटर्न आएगा। ठीक है, कम हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, कम हो रहा है, देखो पास आ रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में पास आ रहा है, देखो पहले वो 0-0 पे था, अब देखो टाइम बढ़ता गया लेकिन टाइम के साथ साथ वो वापस आ रहा है, 0 पोजीशन पे ही आ रहा है वहाँ से। यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्मली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन बता रही है कि वो वापस आ रहा है, बस इतना समझ में आ गया होगा, वो वापस अपनी पोजीशन को आ रहा है, रिटर्न कर रहा है अपनी पोजीशन को। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और अगर मैं ऐसा बना देता इसको, यहाँ से क्या कर देता, मतलब ऐसा कर देता तो ऐसा ऐसा, और यहाँ से ऐसा कर देता तो क्या होता भैया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम हो गया, यहाँ से ये वापस आता, देखो वापस आया इनिशियल पोजीशन, फिर वहाँ से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है, उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन करके आगे बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट कर चुका है आगे को मूव कर जाएगा, उसी वापस आया रिटर्न करके वहीं से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हें करवा दिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कम ऑन, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आई नो डैट, बट क्या करें, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है आज, ठीक है। इट्स वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो भैया ऐसी होती ताकि आपको लास्ट में बस एनर्जी आ जाए फटाफट, ठीक है। तो भैया अगर कभी आपके पास ऐसा ग्राफ आ जाए, कम ऑन, क्या ये पहला ग्राफ बनाते हैं, मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, ठीक है। तो ये बनाते हैं वी और टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए कम ऑन, वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ में अगर कभी ऐसा आ जाए जो तब तब से हम पहली बार बना रहे हैं ऐसा वाला, इसका मतलब क्या है? ये दिख रहे हो यहाँ से कुछ विलोसिटी होगी, मान लो 10, 20, 30, 40 ऐसे मान लो, तो यहाँ पे जो भी विलोसिटी होगी उसी विलोसिटी में बॉडी मूव करे जा रही है और टाइम बढ़े जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट विलोसिटी में कोई गाड़ी चलाए जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट विलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म विलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म विलोसिटी का ग्राफ वी टी ग्राफ में ऐसा बनता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म विलोसिटी कैसे बनती है? लीनियर ऐसे ऊपर को, तो ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ऐसा बनता है कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बता रहा है कि गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो इस तरफ जा रही थी, ओके। अच्छा यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा, थोड़ा चेक करते हैं। इस टाइम वाई एक्सिस में डेल्टा वी है, नीचे क्या हो गया, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब हीट मत बोल देना यहाँ पे, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग केमिस्ट्री, वी आर नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री, ओके। क्या आ गया मुँह पे, चलो देखो भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, देखो भाई समझो, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कौन बताता था, एक्सेलरेशन। और फिर से सोचो, चेंज इन वाई एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स एक्सिस गिव्स यू स्लोप, तो यहाँ पे कंपेयर करो जरा दोनों को, तो ये स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, कमॉन, क्या एक्सेलरेशन। भाई यहाँ पे जो वी टी ग्राफ है, यहाँ पे जो स्लोप देखोगे ना तुम, वो एक्सेलरेशन बताएगा वी टी ग्राफ में, कमॉन, ये समझ में आ गया। वी टी ग्राफ में जो स्लोप होगा वो कौन क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अरे यार एक बात तो समझ में आ गई, और कॉन्सेप्ट सोच, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं वी, हमें पास वी और टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ है मतलब, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकाली जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड। ओ माय गॉड भाई साहब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट में निकाल पाओगे, अगर आप उस कर्व जो लाइन बन रही है ना उसके अंदर जो कर्व आ रहा है, जैसे कर्व है ना, सॉरी, जो ये लाइन आ रही है, जो ये ग्राफ बन रहा है उसके नीचे जो एरिया आ रहा है उसका अगर आप एरिया निकाल दोगे, ऐसे जो नीचे एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आप अगर आप निकाल दोगे तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट तक निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड, करो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है, देख लो आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, वी, यहाँ से यहाँ तक की क्या लिया था, मान लो टी ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो मल्टीप्लाई करो, वी इंटू टी इस रेक्टेंगल का एरिया दे देगा, तो इट इज़ गिविंग द एरिया, एंड एरिया इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, आपने करा हुई तो है, वी और टी का मल्टीप्लीकेशन ही तो करा है, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो वी टी ग्राफ में अगर आप एरिया निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, स्लोप बताते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए इसका स्लोप क्या है, जीरो, तो स्लोप जीरो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या भाई, उसने वेलोसिटी में चेंज ही नहीं करा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में चेंज करना, इसमें चेंज ही नहीं करा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भाई चेंज कहाँ से आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अबे भैया चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है, आर यू, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई वन शॉर्ट वीडियो इज़ फॉर यू पीपल, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है तो हो जाएगा, और अगर नहीं पता तो भैया भगवान मचाए आप आपको। चलो भैया आगे देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ अगर ऐसा आ गया तो ये क्या बता रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर वेलोसिटी बढ़े जा रही है, देख रहे हैं बराबर बराबर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा, यहाँ पे भी थीटा ही है, यहाँ पे भी उसका स्लोप वही है, तो स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी कि कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ऐसी कभी भी ऐसी लाइन आ जाए तो भैया वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो गई तो भैया दिमाग ये मत, हाँ टीचर ने गलती कर दी स्पेलिंग की, अबे कुछ नहीं होता, तो देख क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, कम ऑन, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो भाई स्लोप चेंज नहीं हो रहा, देखो
स्लोप देख के ही कितनी आइडिया लग जाता है। अब अगर तुझे एरिया इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कि यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है बॉडी ने, तो तुम इसके बीच का एरिया निकाल दो, इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो क्या करोगे, हाफ बे, कैसा 90 डिग्री वाला दिख रहा है, तो क्या हो जाए, हाफ बेस, बेस मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम बेस और इनटू हाइट क्या हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या वेलोसिटी, यहाँ देख लो तो यह आ जाएगा वी, आप यहाँ से ये यह डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यहाँ से। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, कम ऑन यार, आई यस यू पीपल आर गेटिंग, ऑफ कोर्स यू पीपल आर गेटिंग। अब मान लो कभी ऐसा आ गया, इसका मतलब क्या है, कभी ऐसे आती है चीज़ें वी और टी, थोड़ा यहाँ ना आके ऊपर आ गया, पहले तो बिल्कुल ओरिजिन से रेस्ट पोजिशन से ही मूव कर रहा था, पहले जब वो ऐसे मूव कर रहा था ना जीरो, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी और तब वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा था जब यहाँ से शुरू कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है, मतलब मैं अपनी गाड़ी ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में चला रहा था और अचानक से मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी, ऐसे तो भैया एक्सेलरेशन कराया मैंने, तो यहाँ तक कुछ इनिशियल वेलोसिटी में मूव कर रहा था मैं और अचानक से मैंने क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, इस वेलोसिटी में चेंजेस ले आया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, लाइन को देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि इसका स्लोप सब जगह अब क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर मैं बोलूँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है, तो भाई निकाल ले इतना डिस्प्लेसमेंट करा होगा, इसका आप करोगे क्या, एक एरिया ये बनेगा, एक एरिया ये बनेगा, दोनों के एरिया को ऐड कर दोगे और क्या, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के लिए क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट, भैया बेस क्या है उसका, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या है, टाइम है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसे बेस की जगह टाइम लिख लो। हाइट क्या है, ये वाला पोर्शन, भाई यहाँ देख ले कितना हुआ है ये, ठीक है, तो इतना, इतने में से इतना घटा दे, ये आ जाएगा, मान ले यहाँ तक कुछ था, V लिख लेते हैं, V1 लिख लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, V1 माइनस U, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट की जगह V1 माइनस U जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, आ जाएगा और क्या, और यहाँ पे तुम्हें पता ही है इतना क्या है, U है, U इंटू टाइम कितना है ये, तो दोनों के एरिया आ गए, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कभी ऐसा आ जाए तो भैया देख, यहाँ देख, यहाँ देख, या आया वी टी ग्राफ, सोचो यार सब कुछ तो आ गया तुझे, अब और क्या चाहिए यार, यहाँ तुम्हें पता चल गया होगा हर जगह यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है, और स्लोप यहाँ पे क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़े जा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़े जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, छोटे छोटे टाइम में एकदम बढ़ जा रही है, तो वेलोसिटी एकदम बढ़ जाए, स्पीड भगा दे रहे हैं बाइक को, एकदम से तेज कर दे रहे हैं, तो वही वाला एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी तो खैर बढ़ ही रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है कौन, वेलोसिटी, अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी आ रही है ना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ओके, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर डाउन हो जाए तो अब थोड़ा उल्टा सोच लो, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ था ये भी एक वेरिएबल वेलोसिटी का ही ग्राफ है, ऐसा भैया ये वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी अलग अलग रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू में चेंज हो रही है, देखो आए अनइक्वल वैल्यू में चेंज हो रही है, मतलब ऐसे बोल सकते हो, तो अगर आप स्लोप देखो यहाँ पे आया क्या थीटा, यहाँ पे क्या आया कुछ और आ जाएगा थीटा, देखो डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज नहीं हो रहा क्या यहाँ पे, देखो थीटा वन या देखो थीटा टू, ये कुछ क्या हो रहा है वैल्यू, बिल्कुल देखो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी तो घट रही है, वेलोसिटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है, सीधी सी बात पता चल, यहाँ पे स्लोप बताते ना, तो स्लोप घट रहा है यानी कि एक्सेलरेशन घट रहा है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीजेस मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। हाँ, अब एक और ग्राफ मैं बताता हूँ आपको, ये बड़ा मस्त है, ये ऐसा है, ऐसा ग्राफ आ जाए तो है तो लीनियर दिख रहा ना, लेकिन घटते हुए क्रम में दिख रहा है, देखो मतलब क्या, ये वी टी ग्राफ है भाई, उसकी कुछ ना कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी थी, ये बता रहा है, ऑलरेडी अगर यहाँ से बन रहा है ग्राफ, यानी कि उसके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास वेलोसिटी कुछ यहाँ पे जो भी रही होगी यहाँ पे, तो आप यहाँ से नाप सकते हो कितनी रही होगी, ठीक है, ग्राफ में पता चल जाता है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी अब देखो यूनिफॉर्मली उसको घटा रहा है, यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो, टाइम के रेस्पेक्ट में कम होए जा रही है, और एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो,
वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, रुक गई है गाड़ी भैया, यहाँ से आते 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 वो क्या हो चुका है, जीरो पे आ चुका है, ठीक है, रेस्ट पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ से देखूँ जरा, ये थीटा जो है तुम्हें दिख रहा है 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि नेगेटिव स्लोप बन रहा है। स्लोप क्या बताता था यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और वो नेगेटिव आ रहा है, तो भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। कम ऑन, क्या रिटार्डेशन, ठीक है, स्पीड घटा रहा है यार वो, और क्या, ब्रेक मारने की कगार पे आ चुका है वो, तो रिटार्डेशन ही तो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर रहा होगा स्पीड को, 10 फिर 10 फिर 10 कम फिर 10 कम, 50 से 40, 40 से 30, 20, 10 फिर 0, ऐसे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए भाई, अगर कभी ऐसा मान ले कुछ ऐसा ग्राफ है ऐसा, और ये A1 है, ये A2 है, ये एरिया A3 है, और ये एरिया A4 है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, मान लो किसी बॉडी ने ऐसा ऐसा ग्राफ बनाया है, तो भाई अगर तुमसे पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप निकालोगे कैसे, एरिया वन, नीचे वाले ये नेगेटिव जो एरियाज आ रहे हैं, नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो नेगेटिव एरियाज, तो भाई उनको माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, A3 माइनस A4, ऐसा आएगा डिस्प्लेसमेंट। वेरेज अगर कभी डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आती, तुम्हें पता होगा कि वापस भी आएगा ना कहीं मार्केट से, तो बेटा नेगेटिव नहीं लेंगे उसको कभी, हमेशा पॉजिटिव में होती है। एक बार मोशन शुरू हो गया ना, तो चाहे वो कहीं भी गया हो, वहाँ से वापस भी आ जाए, तब भी डिस्टेंस ऐड करी जाती है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस करा जाता है, जब जाता है वो वापस आता है तो माइनस करा जाता है। तो यहाँ देखो क्या है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोलेंगे ना, इसी ग्राफ से अगर तू डिस्टेंस निकालना निकाल सकता है, ना आप ले कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सब एरियाज को ऐड करना है, माइनस कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, माइनस नहीं करी जाती। एक बार अगर मोशन हो गया, माइनस थोड़ा ना करेगा, तू मार्केट गया 10 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से वापस 10 किलोमीटर दूर घर आया, तो 20 किलोमीटर तू ट्रैवल करा है, वेरस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, माइनस कर देते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, सारे वीटी ग्राफ मैंने तुम्हें बता दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको समझाते हैं, अब समझते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कम ऑन यार, अगर दो इसमें मैं दो चीज़ें बना देता हूँ, देखो मान लो ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, डोंट माइंड, तो ये ऐसा है और एक ऐसा है, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है, टाइम, तो एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है, टाइम, नीचे की तरफ। तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ दिख रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक कांस्टेंट रेट में गाड़ी स्पीड बढ़ाई जा रही होगी, 10 मान ले 10 इसका मान ले कोई एक्सेलरेशन पकड़ी है गाड़ी ने, 10 की स्पीड बढ़ाया जा रहा है बार बार, एक एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ाया जा रहा है, वो है कांस्टेंट रेट में जब अपनी स्पीड बढ़ाता है या वेलोसिटी बढ़ाता है उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट रेट में बढ़ाया जा रहा है, 10 ऐसे स्पीड बढ़ाया जा रहा है, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर ऐसे, तो ऐसा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो गया। अब ये वाले में क्या हुआ भैया, यहाँ देख रहा है इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें ऐसा हो रहा है। अब भैया अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भैया अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम देखा ना हमने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ओ माय गॉड, वेलोसिटी दे देगा। तो इस अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, इसका अगर मैं एरिया निकाल दूं इस ग्राफ का, तो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा कि कितनी रफ्तार में चल रहा होगा, एक्सेलरेशन है ना, स्पीड बढ़ाई होगी तो कितना करा होगा उसने, तो ये बोला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वेलोसिटी होगी, ये निकाला जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी निकाला जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी क्या दे देगा, यहाँ का एरिया अगर निकालोगे तो वो आप में वेलोसिटी में चेंज जरूर दे देगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एरिया गिव्स अ चेंज इन वेलोसिटी, दिख रहा है एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज आया है वेलोसिटी में, ये ग्राफ का अगर एरिया आप निकालते हो तो निकल जाएगा, मैंने सारे ये बता दिए, ठीक है। तो दिस मच फॉर दिस वीडियो।